Now students, question third, part second from exercise 3.3. Question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. दो एंगल हैं, उसमें से एक बड़ा है दूसरा छोटा है, और लिखा है कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। ठीक है ना, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ओके, अब पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले दिन साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है एक्स और वाई में कंपेयर कर रहा है। कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है, मैंने अज्यूम भी किया। कितना बड़ा है? 18 डिग्री। लेकिन हमको तो बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो बराबर होगा कैसे? जो कम है उसमें ऐड करना पड़ेगा, 18 डिग्री इसमें ऐड कर दिया और इक्वल लगा दिया दोनों। अब दोनों बैलेंस हो गए, जस्ट लाइक स्केल पर तराजू पर दोनों बराबर हो गए। यही इक्वेशन में होता है, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई। ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में बहुत आसान रहता है, बड़ा बनाया मिल जाएगा। लेकिन एक ही कंडीशन देगी, बाकी कुछ नहीं दिया गया, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या हम प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ और कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एक्स और वाई क्या है? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब अगर दो एंगल एक्स और वाई हैं सप्लीमेंट्री हैं, तो उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। आपको प्रीवियस नॉलेज से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन x, from equation x, put the value of x equal to y plus 18 in equation second. लिख देता हूँ, put x equal to y plus 18 in equation second. First से value, second में put कर लीजिए। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? y plus 18 plus y equal to 180 degree. ठीक है बच्चों? Yes, तो अब यहाँ पे सॉल्व करके हमको बता सकते हैं क्या होगा? 2y plus 18 equal to 180 degree, 18 degree. This implies 2y equal to 180 degree upon 18. Wow, भाई. Upon 18. Minus 18 होगा. Yes. तो इसको subtract कीजिए कितना आएगा? 162. ठीक है ना? तो y की value कितनी आ जाएगी? 81 degree आएगा. ठीक है ना? फाइनल में आंसर में डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब y की वैल्यू क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, सबसे आसान है। क्या है? x इक्वल टू y मींस 81 प्लस 18, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 99 डिग्री। ठीक है, तो x मिल गया, y मिल गया, तो दोनों एंगल मिल गए। सो लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री, यहां पर हम डिग्री में आंसर लिखेंगे, वहां लिखे कोई इक्वेशन में कोई गलती नहीं है। एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, यह आपका आंसर होगा। वर्ड में क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन वर्ड में देने का जरूर प्रयास किया करें। ठीक है ना?